हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे स्वर्ण ऑक्सीडेशन किस तरीके से होता है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, क्या कन्वर्जन होता है इसमें। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास में मान लीजिए कोई अल्कोहल है, Rch2OH। तो ये अल्कोहल हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड या फिर कीटोन में। ये चीज़ है ना। अब एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा कि कीटोन में, ये डिपेंड करेगा कि हमारा अल्कोहल है वो प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, क्या है ना। प्राइमरी होगा तो एल्डिहाइड में, सेकेंडरी हुआ तो कीटोन में। इस तरीके से इसमें कन्वर्जन होता है। अब आइए इसकी एक रिएक्शन में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हम सेम रिएक्टेंट ले रहे हैं, तो ये हमारा अल्कोहल हो गया। इसके साथ में हम क्या ले लेंगे, ये हमारा DMSO यानी कि डाईमेथाइल सल्फॉक्साइड, DMSO प्लस, और यहाँ पे ऑक्सालिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर ये होता है। और फिर हमें इधर क्या मिलने वाला है, एक तो एल्डिहाइड यानी कि RCOH प्लस, इतने प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। अब इसके मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले क्या होगा कि डाईमिथाइल सल्फोक्साइड रिएक्शन करेगा यानी कि DMSO ऑक्सालिल क्लोराइड के साथ में। तो ये देखिए, अपने लोन पेयर से इस पर अटैक करेगा ऑक्सीजन के ऊपर। इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेगा, रेजोनेंस से वापस आएगा और क्लोरीन रिलीज कर देगा, क्योंकि क्लोरीन एक गुड लिविंग ग्रुप है। क्या मिलने वाला है इधर, तो यहाँ पे देखिए हमें क्या मिल जाएगा, CH3S। अब ये इलेक्ट्रॉन जब डोनेट कर रहा है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन हमारा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा इस तरीके से, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ये कंपाउंड बन गया। और उसके बाद में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक क्लोरीन का आयन रिलीज हो गया है ना। तो ये क्लोरीन क्या करेगा, अब फिर से इस सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करेगा। क्या होगा देखते हैं, है ना। तो ये सेम मॉलिक्यूल हमने इधर से कॉपी कर लिया और यहाँ पे क्लोरीन अटैक करेगा। इस तरीके से क्लोरीन इसके ऊपर अटैक कर देगा। क्या बनेगा देखते हैं, ये हमारा CH3S, CH3 और ये ऑक्सीजन, क्लोरीन। ठीक है, ये कंपाउंड हमारे पास में तैयार हो गया। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो हमने सेम मॉलिक्यूल कॉपी कर लिया इधर से। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये जो सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, ये ब्रेक होगा हमारा यहाँ पे इस तरीके से इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ के लोन पेयर कार्बन के पास में जाएगा, है ना, और फिर ये इलेक्ट्रॉन हमारा वापस जाएगा यहाँ पे ऑक्सीजन के पास में जाएगा, रेजोनेंस वापस आएगा और फिर ये हमारा ग्रुप क्या हो जाएगा, लीव कर जाएगा। ठीक है, फिर इसको हम नेक्स्ट स्टेप में डिस्कस कर लेते हैं। दोनों को अलग करने के बाद में क्या मिलने वाला है हमको, देखिए CH3 और SCH3 Cl, और यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज फिर से आ गया। ठीक है, प्लस उसके बाद में हमको देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया प्लस। आगे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है C(O)CL, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, क्लोरीन लेके निकल जाएगा। क्लोरीन के पास में नेगेटिव चार्ज जाएगा और क्या मिलने वाला है यहाँ पे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस
क्लोराइड आयन। ठीक है, अब तक एल्कोहल की कोई रिएक्शन यहाँ पे नहीं हुई है। एल्कोहल रिएक्शन करने के लिए अब आएगा स्टेप फोर में। ठीक है, तो स्टेप फोर में रिएक्शन के लिए जाएगा कौन, तो ये मॉलिक्यूल हमारा जाएगा या आयन जाएगा, इसको मैं अलग कर लेता हूँ। और यहाँ पे एल्कोहल रिएक्शन करे के लिए आएगा जिसने भी रिएक्शन किया ही नहीं है, है ना। तो ये हमारा आर सी एच टू एंड ओ एच, तो जाहिर सी है कि ओ एच का लोन पेयर अटैक करेगा यहाँ पे इस तरीके से, है ना। और क्या बन जाएगा, सी एच थ्री एस सी एल और सी एच थ्री, और यहाँ पे हमारा ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन और सी एच टू आर सी एच टू एंड आर, है ना। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन अपना रिलीज करेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज भी ले जाएगा साथ में, हाइड्रोजन भी यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो मैं इसको यहीं पर रिलीज कर देता हूँ। ठीक है, ये मॉलिक्यूल हमारा तैयार हो गया। अब क्या होगा कि अब यहाँ से क्लोरीन हमारा रिलीज हो जाएगा इस तरीके से, और क्या मिलने वाला है इधर हमारे पास में, क्लोराइड माइनस, है ना, और प्लस प्लस ये पूरा मॉलिक्यूल क्लोरीन को हटा के सल्फर सी एस थ्री, और यहाँ पे एक सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज फिर से आ जाएगा। वैसे पूरे रिएक्शन के दौरान सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, लेकिन इसमें कई स्टेप हमने बढ़ा दिए हैं ताकि और क्लैरिटी आ सके। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि कुछ मॉलिक्यूल्स में सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, जैसे कि ये यहाँ पे हैं, है ना। तो ये स्टेप्स समझाने के लिए हमने आपको बढ़ाए हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो यहाँ से, जो इस स्टेप से लेकर इस स्टेप पे आने के लिए, यहाँ से आप सीधे यहाँ पर पहुँच सकते हो, ये बीच का इंटरमीडिएट गैप कर सकते हो, ये मैकेनिज्म ज़रूरी नहीं है। तो स्टेप फोर में हमको ये वाला प्रोडक्ट मिल जाता है, ये प्रोडक्ट हमें स्टेप फोर में मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप देख लेंगे, स्टेप फाइव। स्टेप फाइव के लिए ये मॉलिक्यूल हम कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ पे ट्राई एल्किल एमीन रिएक्शन करेगा, रिएक्शन क्या, ये केवल कैटलिस्ट का काम करेगा यहाँ पे और रीअरेंजमेंट करा देगा, ई टी होल थ्राइस एन। ऐसा होने पे क्या होगा कि यहाँ पे देखिए, ये जो सी एस टू है हमारे पास में, इसके हाइड्रोजन्स को मैं ओपन करके पहले बनाता हूँ। है ना, अब देखिए यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन हमारा ब्रेक होगा, हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ रहे हैं, हाइड्रोजन हमारा रिलीज हो जाएगा। ठीक है, फिर सेम इलेक्ट्रॉन हमारे इस ऑक्सीजन पे पहुँचेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये बॉन्ड हमारा ऐसे ब्रेक हो जाएगा, और फिर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे नीचे आप देखिए एल्डिहाइड हमको मिल रहा है, सी डबल बॉन्ड ओ आर एंड एच, है ना, प्लस ऊपर आपको क्या मिल गया है, एस और सी एस थ्री एंड सी एस थ्री। तो ये दो प्रोडक्ट हमको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अब यहाँ पे देख पा रहे हो कि फाइनली हमको क्या मिल गया है, एक एल्डिहाइड मिल गया है। ठीक है।